اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام تعريفين الله كليه مسكي تعريف كرتين ورسمة مدد ما في طلب كرتين हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ज की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता हम गवाही देते हैं कि इबादत का अकदार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं और गवाही देते हैं कि महमद्ला वसम अल्लाह ताली के बंदे और रसूल है अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर उनके अल्ल्याल पर उनके सहाबा पर रहमतुल्लाहि व वबरकता जो भी आप मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ अल्लाह ताला की तरफ से और अगर मुझसे कोई गलती या गुत हो जाए तो मेरी तरफ़ से और शैतान की तरफ से सूरत हज ताला अब हम शुरू करेंगे तरतीब के अतबार से ट्वेंटी सेकेंड सूरत है और नज़ुल के एतबार से वन हंड्रेड एंड थर्ड सूरत है सेवनटी एट इसमें आयात है दस इसमें रुकू है और मक्की सूरत थी है और मदनी भी यानी कुछ हिस्सा मक्की है और कुछ हिस्सा मदनी है सूरत हज के कुछ जो है ये एक ना कुछ स्पेशल सूरतों में से है इसमें दो दो चीज़ें बहुत सारी है जैसे अभी मैंने बताया कि आपको कुछ हिस्सा मक्की है कुछ हिस्सा मदनी है ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मक्की है लेकिन कुछ मक्की और कुछ मदनी है यानी कुछ आयतें हिजरत से पहले नाजिल हुई और कुछ आयतें हिजरत के बाद नाजिल हुई ये सूरत में एक स्पेशल चीज़ ये भी है कि इसमें दो सजदे हैं ठीक है सजद तिलावत जो है और इसका एक और स्पेशल चीज़ ये है कि कुछ सफ़र में कुछ हदर में नाजिल हुई और इसकी एक और स्पेशल चीज़ ये है कि अरकान इस्लाम का एक नाम है यानी हज जो है वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम है कोई भी सूरत कुरान में अज़्क़ असला इस नाम से नहीं है लेकिन अल हज इस नाम से है इस सूरत में हज के कुछ अरकानात का जिक्र है जिसकी वजह से इसका नाम जो है पड़ा और इस में आयत में इब्राहिम को अल्लाह ताला हज का ऐलान करने का जो देते हैं जिसका है जिसकी से भी इसका नाम सूरत है चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है बिस्मिल्लिम यान्ना लोगों लोगों से क्या मुराद है आप तमाम लोगों से है यानी जो पहले थे अब है मुसलमान है गैर मुसलमान है सब लोग हर किसी को जो है ना अब जब आप आए और ये आए थे जब नाजिल हुई तो जब से लेकर हर वक्त के कयामत तक के आने वाले तमाम लोग हर कबीले हर कुंबे हर एरिया एवरीवेयर सब लोगों से अल्लाह ताला कह रहे हैं या लोगो रब्बकुम डरो अपने रब से और तखवा का क्या मतलब है यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं तखवा इख्तियार करो अपने रब से डरो अपने रब से तकवे में जो है डर भी आती है मोहब्बत भी आती है तकवे से ईमान हमारा कम्प्लीट होता है अब क्यों डरना है अल्लाह ते न बेशक जलजला अब यहाँ पर अल्लाह ताला से जो है क्यों डरना है क्यों तखवा अख्तियार करना है क्यों मोहब्बत रखना है क्योंकि बेशक जलजला असावती क्यामत का और शेदी बहुत बड़ी चीज़ है ये एक बहुत बड़ा इवेंट है बहुत बड़ा हादसा है या बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है अब यहाँ पर और असा और का हादसा ये फ़र्स्ट सुर से होगा जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी सेकेंड सुर पर क्या होगा तमाम लोग जो मरे हुए हैं वो फिर दोबारा उठ जाएंगे सूरत हज में क्यामत की बात है और हज इट सेल्फ क्यामत की हमें याद दिलाती है या फिर एक छोटा सा क़्यामत का हमें मंजर दिखाती है जैसे हज अगर आप लोगों ने किया होगा या हज के सफ़र पर आप लोग गए होंगे फिर वहाँ पर हज के पूरे अरकाना अदा किए होंगे यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ तो आपने वहाँ की गर्मी एक्सपीरियंस की होगी रश एक्सपीरियंस की हो, किया होगा इंतज़ार की घड़ियाँ एक्सपीरियंस की होगी हर तरफ लोग ही लोग स्टेप बाई स्टेप मरहलों से गुजरना है थकान मैले कुचैले कपड़े हर तरफ़ मट्टी थकान और स्पेशली मुज़दलफा की जो रात होती है वो एकदम से अलग रात होती है सबका एक तरफ दौड़ना इंसानों का सैलाब कोई गुम जाए तो मिल नहीं सकता और हर किसी को किसकी फ़िक्र होती है अपने अरकानों की अपने हज की वो ठीक से हो जाए एक छोटा सा मंज़र हमको कयामत का दिखाता है तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला सूरत हज के बिगिनिंग में हम से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से डरो क्योंकि वन डे दिस इज गोइंग टू टू कम व्हेन यू हैव फेस अल्लाह जो बहुत बड़ी चीज है और ये कितनी बड़ी चीज़ है यो महा जिस दिन तुम देखोगे इसको तजहल भूल जाएंगी कुल हर दूध पिलाने वाली अम्मा अर दस को जो वो दूध पिलाती है दूध पिलाने वाली कौन है माँ जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो अपने बच्चे को भूल जाएगी अब आप सोचिए क्योंकि कोई माँ क्या बच्चे को भूल सकती है और खास तौर से कोई दूध पिलाने वाली माँ जिसका बच्चा दूध पीने की एज में हो इतने छोटे बच्चे को क्या कोई भूल सकती है? Then, का सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे के लिए उस हालत में होता है जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पीने वाले एज में दूध पिलाने वाली हालत में हो तो फिर वो उसको भी भूल जाएगी तो अब आप देखिए अयामत का लम्हा इतना सख्त होगा इतना सख्त होगा इतना सख्त होगा कि एक माँ जब अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही होगी तो वो उसको भी भूल जाएगी व तदाऊ और गिरा देगी या रख देगी कुल जाती हमले हर हमल वाली यानी प्रेग्नेंट चाहे वो औरत हो या जानवर हो हर जो है फीमेल क्या करेगी हम लहा अपने हमल को गिरा देगी क्यों गिरा देगी एक तो शौक से और एक तो झटके से क्योंकि सदमे से भी जो है हमल गिर जाता है दूसरा झटके से भी जो है हमल गिर जाता है फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं व तरन्ना और तुम देखोगे लोगों को सुकारा के वो नशे में है व हम भी सुकारा हालांकि वो नशे में ना होंगे यानी क़यामत के दिन बिना शराब पिए के नशे में नहीं होंगे बट दे विल बिहेव एज इफ वो लोग नशे में होंगे कैसे एक तो क्या होता है नशे में इंसान क्या होता है इधर उधर गिर पड़ रहा होता है तो इधर उधर परेशानी से ये एक तो ज़मीन हिल रही होगी परेशानी वाली वो होगी तो यहाँ वहाँ जो है क्या होगा गिर पड़ रहे होंगे दूसरा इतना सख्त अजाब होगा इतना सख्त अजाब होगा कि अकल काम नहीं करेगी होश हवास नहीं होंगे या तो फिर बहुत बेकरार हो जाएंगे कोई ऐसा खुद के ऊपर होश नहीं रहेगा तो और कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो जब इंसान को जो होश नहीं होता है समझ नहीं आ रहा होता है बहुत ज्यादा सदमा होता है बहुत ज्यादा बहुत शौक होता है तो क्या होता है कभी इधर गिर रहा होता है कभी उधर गिर रहा होता है उसको समझ अपने ऊपर से वो बैलेंस खोने लगता है बेहोश होने लगता है तो इस तरह जो है वो हो, होगा वलाकिन आजाबल्ला ही शदीद लेकिन अल्लाह का आजाब बहुत सख्त है तो अब यहाँ पर अल्लाह तला कह रहे हैं कि क़यामत की बात कह रहे हैं कि कयामत का औजाब बहुत सख्त होगा और आसार कयामत शुरू हो गए हैं यानी कयामत की छोटी निशानियां नजर आ रही है और हम उस कयामत के लिए जो बहुत करीब आ चुकी है जो बहुत सख्त होगी उसको हम कितना सीरियसली उसके बारे में हम कितना सोच रहे हैं वमीन अन्नासी और लोगों में से कोई दिल जो झगड़ते हैं या हुज्जत करते हैं फिर अल्लाह के बारे में बेगैर या बग़ैर इल्म के यानी बग़ैर इल्म के विदाउट नॉलेज और सही नॉलेज अल्लाह ताला के बारे में कहाँ है सिर्फ कुरान और सुन्नत में है तो अल्लाह के बारे में हुज्जत करते हैं झगड़ा करते हैं कभी कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है कभी क़यामत के ऊपर अल्लाह ताला का कंट्रोल कैसा है कुदरत कैसा है उसके ऊपर हुज्जत करते हैं उसके ऊपर बहस करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दोबारा जो है मर गए हैं वो दोबारा कैसे उठेंगे कभी जो है मिसाल देते हैं कि अल्लाह ताला के क्या कहते हैं ये फलाँ फुलाँ जो है इनकी रिकमेंडेशन अल्लाह ताला के पास जाएगी कभी कहते हैं कि नौजबिल्ला अल्लाह के जो है नूर है अंबिया अक्राम या आप वसल्लम ये सारी चीज़ें ये सारी बातें ये सारी हजतें ये सारे झगड़े अलम ना होने की वजह से है किस चीज़ का अलम ना होने की वजह से क़ुरान और अहदीस का काल ना होने की वजह से जो लोग क़ुरान और अहदीस पढ़ते हैं सही नॉलेज होती है कम्प्लीट नॉलेज होती है वो बहस नहीं करते छोटा थोड़ा थोड़ा सा ऊपरी नॉलेज जो ले, ले, ले लेते हैं वो भी बहस करते हैं जो इल्म नहीं लेते वो भी बहस करते हैं जिसको लेकिन इन डेप्थ नॉलेज होती है वो झगड़ा नहीं करते तो इल्म के बगैर अल्लाह के बारे में में बहस करना बातें करना ये क्या है उनके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है वह तब और पैरवी करता है कुल शैतान मरीद हर शैतान सरकश की और शैतान हर शैतान यानी जिनमें से भी और इंसानों में से भी और पूरे शैतानों का सरदार कौन है इबली है तो बग़ैर इल्म के झगड़ा करने वाले बहस करने वालों को अल्लाह ताला शैतान के पैरोकार यहाँ पर बता रहे हैं तो फिर अब यहाँ पर अपने आप के को जो है का जो है जायजा लेना है बहुत सारे लोग दीन के नाम पर बहस करते हैं तो नंबर वन जिसके पास बहुत इल्म होता है या इल्म की गहरी समझ होती है उनमें ठहराव होता है उनको पता होता है कि लोगों को कब कैसे किस बात से किस तरीके से अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है अल्लाह से कनेक्ट करना है जिसके पास इल्म नहीं होता ना वो झगड़े करता है वो बहसें करता है क्योंकि झगड़े और बहस कभी भी अल्लाह ताला से इंसान को जोड़ नहीं सकते इन फैक्ट वो क्या होता है एक डिफेंडिंग मोड में सामने वाला आ जाता है मैं ये बात आपको गहराई से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब आप यहाँ तक आए आ चुके हैं तो आपको भी अल्लाह से कनेक्ट करना है लोगों को और इस जिम्मेदारी को आपके कंधों पर लेना है और और ये बहसों से नहीं आता है नहीं आ सकता है इस्लाम इज़ नॉट अबाउट विनिंग अ डिबेट इस्लाम इज़ अबाउट विनिंग द हार्ट्स तो किस तरह दिलों को जीतना है किस तरह दिलों को अल्लाह ताला से जोड़ना है ये हमको सीखना है और ये तरीक़ा हमको अपनाना है कुतिबा अलैहि लिख दिया गया इस पर यानी तयशुदा है किसके ऊपर ये बहस करने वालों के ऊपर ये झगड़ा करने वालों के ऊपर बग़ैर के क्या लिख दिया गया है अन हो मंग हो के बेशक वो जो इसको दोस्त बनाएगा किसको शैतान को दोस्त बनाएगा तवल्ला में वली वाओ लाम या ये रूट है और वरी वली के मायने आते हैं वली के मायने क्या होते हैं गार्डियन अमानत दार ये सारी चीज़ों के जो है मायने आते हैं तो जो इसको अपना गार्डियन अपना दोस्त अपना वली बनाएगा क्योंकि वो शैतान के गाइडेंस में बग़ैर इल्म के ये बातें करता है फ़न नू तो बेशक वो यू दिल्ल हूँ इसको भटका देगा व यह दी ही और रहनुमाई करेगा इसकी यह दी में हिदायत गाइड करना है तो शैतान उसको रास्ता दिखाता है गाइड करता है एक बात यहाँ पर नोट करना है शैतान फोर्स नहीं करता है शैतान सिर्फ रास्ता दिखाता है और फिर अब आप देखिए शैतान के साथ भी रहेंगे ना तो उसकी सोहबत का असर होगा वो आपको बस ऐसे गाइड करके आपके दिल में बात डालकर जो है आपको छोड़ देता है वो फोर्स नहीं करता है बल्कि गाइड करता है इलाबसर जलने के अजाब की तरफ अल्लाह ताला हमको इससे महफूज रखे और शैतान के साथ से शैतान के भटकावे से हमको महफूज रखे या यू ए लोगों अब यहाँ पर तमाम तमाम लोग तमाम लोग और प्लस मक्का भी इंग कु तुम फी रोई बिन अगर हो तुम शक में मिनल बासी दोबारा जी उठने में यानी तुम अगर थोड़ा सा भी शक करते हो कि हम दोबारा कयामत के दिन कैसे उठेंगे कैसे दोबारा मट्टी से जो है वापस यानी जब डीके हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे दोबारा इंसान क़यामत के दिन कैसे उठ सकते हैं अगर इसमें तुम को शक है फ़ इनकुम दे बेशक हमने पैदा किया हमने तुमको तो अल्लाह ताला कह रहे कि अगर कयामत के दिन जी उठने के ऊपर अगर तुमको शक है तो अपनी पैदाइश के ऊपर गौर करो कैसे अल्लाह ताला ने पैदा किया मिंग तो मिट्टी से आदमी साम की पूरी तकलीफ़ मिट्टी से कैसे हुई हम ये पहले ले चुके हैं सेकेंडली हमारा जो ग्रोथ होता है हमारी जो परवरिश होती है हमारा जिसम जो बढ़ता है मिट्टी से झा जो आती है उसको खाते हैं न्यूट्रिय जो हमको मिलते हैं मिट्टी से जैसे तरकारी है वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है और तुराप का मतलब टॉप सॉइल होता है उसको जो है तुराप कहते हैं इसी से वेजिटेशन जो भी है वो उगती है हमारे माँ बाप खाए होंगे सर्वाइव किए होंगे तो उससे लुत्फा बना होगा फिर उससे हम जो है पूरे इंसान की तकलीफ आगे की आयतों में आप देखिए पूरे इंसान की तकलीफ और पूरी एम्ब्रियोलॉजी का प्रोसेस एक्सप्लेन किया जा रहा है इसको प्रोफेसर मॉरिस बुके और प्रोफेसर स्मिथ जो है समझाए फिर मुसलमान हुए हम में से कोई उसको ना समझ सका ना लोगों को समझा सका यानी बड़े बड़े साइंटिस्ट जब ये आए थे पढ़े जब मॉरस बुके वगैरह की तरह तो उनको समझ में आया कि ये कलाम ये किताब सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से हो सकती है आगे की पूरी एम्ब्रियोलॉजी एक्सप्लेन की हुई है इसमें और जो है यहाँ पे तुराब है फर्स्ट स्टेप जो है तुराब से इसी से हम बने हैं और फिर इसी में हम वापस जाएंगे तो तुम समझते हो कि इससे क्या तुम उठाए नहीं जाओगे इसी से तो तुम्हारी शुरुआत हुई इसी में तुम्हारा एंड है इसी से तुम दोबारा उठाए जाओगे अल्लाह ताला यहां पर ये कह रहे हैं आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मिट्टी से तुम गजा पाए या मिट्टी से जो है आदम सलाम को बनाया मिन फिर नुतफे से नुतफा जो है एक्चुअली यहाँ पेगोट या फर्टिलाइज एग जो होता है तो फिर वो नुतफा है तो यहाँ पर एक खून का जो है जो आप एग एग फर्टिलाइज होता है व्हेन आफ्टर द स्पर्म इज यूनाइटेड विद द एग और स्पर्म जो है फर्टिलाइज करता है एक एग को तो जो जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग होता है तो वो आफ्टर स्पर्म एंड एग जो है वो दोनों मिलते हैं तो उसके बाद ये लुफफ़ा बनता है तुम ममिन अलका फिर खून की फटकी से या जमे हुए खून से अलका खून के लोथड़े को या ब्लड क्लॉट को या जमे हुए खून को जो है एक आ, कहते हैं अब किसी का अगर आ, हमल गिरा होगा कि तो वो खून के लोथड़ी की शक्ल में होता है अलका एक्चुअली लीच के लिए भी ये अरबिक वर्ड यूज़ होता है जो खून चूसता है आन लाम काफ जो है इसका रूट है और इससे ताल्लुक कायम करना इसके मायने भी आते हैं मौलक या सस्पेंडेड या अटैच इसके मायने भी आते हैं तो ये स्टेज में जब ये खून की लोथड़ी की शक्ल में होता है ब्लड ट की शक्ल में होता है तो वो कैसा होता है लीच की तरह माँ के रहम से खून चूसता भी है माँ के उससे वूम से उसका ताल्लुक भी कायम होता है मौलक भी होता है अटैच इन सस्पेंडेड भी होता है ये स्टेज में ये एम्ब्रियो सुम्मा मिन अलका फिर खून की फटकिया जमेन से सुम्मा मिन इन, फिर गोश्त के लोथड़े से मुदगह जो है अरबिक में चबी हुई बोटी के लिए ये वर्ड आता है और एम्ब्रियो को अगर हम देखेंगे इस स्टेज में तो फिर एक चबी हुई बोटी जो ब्लास्ट्यूला होता है एकदम से एक चबी हुई बोटी की शक्ल में ये होता है वह गैरी मुखलकिन और बेनक्शा था यानी बिल्कुल बेसुरत बे नक्शा हाथ न कान कुछ भी नहीं थे एक इंसान की पूरी कैसी पैदाइश उसके जो है माँ के रहम में होती है ये बताया जा रहा है ली ताकि हम बयान करें लकुम तुम्हारे लिए व नु और हम ठहराते हैं फिल कि रहमों में माँ नशाओ जो हम चाहते हैं इला अजल वक्त तक मुसम्मा मुकर तो यूजुअली जो है नाइन मंथ्स होते हैं लेकिन किसी के मिस हो जाते हैं किसी की डिलीवरी सेवन मंथ्स में होती है किसी की डिलीवरी नाइन कंप्लीट होने के बाद होती है डॉक्टर भी एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी नहीं बता सकते हैं क्या इंतज़ाम अल्लाह त माँ के रहम में एक इंसान की पैदाइश से पहले किया खाना गज़ा हर चीज़ जो है अल्लाह ताला कितनी ब्यूटफली पहुंचाते हैं और जो अल्लाह ताला चाहते हैं वो चाहे तो लड़का हो चाहे तो लड़की हो किस शक्ल में हो कैसी हो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं और किस वक्त पर वो दुनिया में आना है या दुनिया में नहीं आना है वहीं से रुख्सत हो जाना है वो भी अल्लाह ताली ही मुक्र करते हैं और अल्लाह ताली के ही हुक्म से होता है तुम मनुख रिजुकुम फिर हम निकाल लाते हैं तुम को बच्चे की शकल में नहीं कम प्लीट इंसान कहाँ वो एक गोश्त का लोथड़ा था कहाँ वो मुदगा था कहाँ वो जो है इस तरह से एक लुफफ़ा था कहाँ वो अलका था वहाँ से कंप्लीट इंसान की शक्ल में जो है वो आता है आप आप देखिए पूरा नाइन मंथ्स में कैसे कैसे इंसान की पैदाइश होती है तुम मली तब फिर ताकि तुम पहुँचो अशुद्ध तुम अपने कमाल को यानी पूरी जवानी को जवान हो के मेच्योर हो जाओ जब तुम्हारी इल्म की क़ोत की सारी चीजें जो है ना वो एक कंप्लीट uh, हो जाए कमाल की कुदरत पर जो है तुम पहुंच जाओ वा और तुम में से कोई जो फौत किया जाता है यानी तुम में से कोई ऐसा होता है जो वो बड़ी उम्र को या जवानी को या फिर पूरी अपनी लाइफ जीता नहीं है कम उम्र में ही फौत हो जाता है और तुम में से कोई जो लौटाया जाता है इला अरदली तरफ नाकारा अलरी उमर के लिकला या ना जाने अदिया इल्म के बाद या जानने के बाद शै कुछ भी यानी अब यहाँ पर देखिए किस तरह इंसान क्या होता है एक ऐसे उम्र को एक नाकारा उम्र को पहुँच जाता है यानी एक बूढ़ा जो है वो हो जाता है जब वो उम्र पर जब वो पहुंचता है तो वो सारी नॉलेज हासिल करने के बाद सब कुछ भूल जाता है माँ जो है अपने बेटे को भी भूल जाती है कभी कभी ऐसे उम्र को इतने बुढ़ापे को पहुंच जाती है जब अपनी औलाद अपना बेटा अपनी सामने आती है तो उसको भी वो नहीं पहचान सकती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि ऐसी उम्र से पनाह मांगते थे आप वसल्लम दुआ करते थे अल्लाहबी बिका मिनल बी बिका मिनल जुबनी का

खबरी आई थिंक ये पूरे वर्ड्स आपके लिए क्लियर है एंड इट्स वेरी ईजी तो फिर आप इसको ख़ुद भी ट्रांसलेट कर सकते हैं इन तो फिर यहाँ पर अल्लाह तला ने यह स्टेज़स में इंसान की पैदाइश पर गौर करने के लिए कहा है अब आप देखिए कैसा माँ के रहम में इंसान की तख्लीक़ होती है उस पर किसका कंट्रोल होता है ख़ुद माँ का नो no. माँ के हाथ में भी ये नहीं होता है कि वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को शक्ल भी नहीं दे सकती है मर्जी से बच्चे को जेंडर भी नहीं दे सकती है मर्जी से जो है वो किस इवन वो कौन से स्टेज से वो गुजर रहा है उसकी माँ जो है देख भी नहीं सकती है तो जो अल्लाह तला के कंट्रोल में तुम्हारी जो पैदाइश तुम्हारी जो तख्लीक माँ के रहम में है वो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है कि वो दोबारा तुमको उठाए सही है इनकी हदीस है इब्ने मसूद रदी अल्लाह तु जो है इसके रावी है आप ने कहा तुम में से हर एक अपनी माँ के रहम में पहले चालीस दिन जमा होते हैं फिर अलका बनता है अगले चालीस दिन तक फिर अगले चालीस दिन मुदगा फिर अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है चार चीज़ें लिखने के लिए उसका रिस्क उसका उसके आमाल उसकी ज़िंदगी फिर वो नेक वक्त होगा या बदबक़्त फिर उसमें रूह फूकी जाती है एक बार सोच कर देखिए ये रूह कहाँ से आती है कैसे आ जाती है कैसी जिंदगी मिलती है क्या कोई साइंटिस्ट बना सकता है क्या कोई गवर्नमेंट भेज सकती है नो जो अल्लाह ताला रूह डाल सकता है हमको इस दुनिया में ला सकता है क्या वो अल्लाह ताला दोबारा हमें नहीं उठा सकता है बिल्कुल उठा सकता है किसी रिपोर्टर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड हैव डिसेक्टेड एंड सीन शायद उन्होंने डि डिसेक्ट करके देखा फिर ये आयतें जो है बताई तो साइंटिस्ट ने कहा फोर्टीन हंड्रेड ईयर्स पहले डिसेक्शन की तकनीक ही नहीं थी तो ये तो सिर्फ तुमको पैदा करने वाला ही बता सकता है तो दूसरी कौम हमारी किताब की सच्चाई का सबूत दे रहे हैं कई साइंटिस्ट जैसे मॉरिस बुके और प्रोफेसर स्मिथ जो है इसको पढ़कर इन आयत को ईमान लेकर आए और हम ईमान वाले जिनके पास ये किताब जिनके घरों में आई हम कहाँ हैं हम उस अल्लाह ताला से उस अल्लाह ताला के अहकाम से उस अल्लाह की किताब से कैसे गाफिल हो सकते हैं और तुम देखते हो अल अरबा जमीन को हामिदता खुश्क है यानी बंजर है पानी ना होने की वजह से कुछ भी उगा नहीं सकती है फ़ाइदा अंगजल ना तो जब उतारते हैं हम अलह इस पर अलमा पानी यानी बारिश के जरिए इहतज़त हिल जाती है या थपक उठती है वह और फुल जाती है वह अम और उगाती है आप देख देखिए जब पानी होता है तो सीड में से जब सीडलिंग निकलती है तो कैसे ज़मीन फुलती है फिर उससे जो है दरख्त निकलते हैं मिंग कुल्ली जोजिन हर कस्म के बही रौनक वाले यानि नबाता जैसे बारिश से जम्ब, बंजर ज़मीन से पैदाइश होती है ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है उसी तरह क़्यामत के दिन इंसान दोबारा उठाए जाएंगे सारे इंसान गल कर मट्टी हो जाएंगे लेकिन इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट एंड इट हैज़ बीन ऑल्सो मैंशनड इन अहादीस कि इंसान की जो टेल बोन होती है कॉकेक्स वो एक हड्डी का हिस्सा है वो डीके नहीं होती वो एक सीड की तरह जमीन के अंदर होती है और उससे जब कयामत के दिन बारिश होगी दोबारा पूरा इंसान बनेगा जैसे एक सीड से पूरा सही बुखारी के हदीर से अब रबी तुम से रिवाय ने कहा दो सूरों दो सूर फूकने के बाद के बीच में दो सूरों के बीच में यानी दो सूर फूके जाने के बीच में चालीस का वक्त होगा किसी ने सवाल किया चालीस दिन का आपसलम ने जवाब नहीं दिया फिर पूछा चालीस महीनों का आपलम ने जवाब नहीं दिया फिर पूछा चालीस साल का आपलम ने जवाब नहीं दिया फिर आपल्ला वसलम ने कहा इस वक्त के बाद अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएंगे और मुर्दे ऐसे ज़िंदा होंगे जैसे नबातात फिर इस हड्डी का जिक्र किया जिससे दोबारा इंसान की तकलीफ होगी यानी रीढ़ की जो टेल बोन होती है उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जिक्र किया और कहा कि जब बारिश होगी उससे पूरा इंसान जैसे एक छोटे से सीट से पूरा दरख्त उगता है उसी तरह उस टेल बोन की जो वो है उससे जो है पूरा इंसान जो है दोबारा उठेगा लाली कभी ये बवजह इसके बेशक अल्लाह ताला तला हक वही हक है इसमें कोई झगड़ा नहीं है कोई डाउट नहीं है वह अन् हो और बेशक वो यही वो जिंदा करता है अलमौता मुर्दों मर्दों को हो और बेशक वुल्ली शीर हर चीज पर कुदरत रखने वाला है यानी तुम ये सारी चीजें देख कर अपनी पैदाइश अपनी मौत ये सारी चीजें देख कर भी क्या तुम्हें अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर यकीन नहीं है क्या वो अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा उठा नहीं सकता है व अनस्त और बेशक क़्यामत आती आने वाली है लाई बफिया नहीं कोई शक इसमें व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला फिल आतूर उठाएगा जो कब्रों में है यानी अल्लाह ताला किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हर मरे हुए को उठाएंगे अल्लाह ताला व मिन अन्नासी और लोगों में से कोई मंगूजादी लोग जो झगड़ा करते हैं फिल्लाह ही अल्लाह के बारे में बगैर बैरिन बग़ैरम के यहाँ पर सेकेंड टाइम आया है देखिए बग़ैर इल्म के तो अल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जो जिसके बारे में हमको इल्म नहीं है वला हुदन और बग़ैर रहनुमाई के वला और बग़ैर किताब मुनीर किताब रोशन के और किताब रोशन कौन सी कुरान है अल्लाह के बारे में बहस करना बग़ैर इल्म के कभी अल्लाह के बारे में कह रहे हैं कि बेटे है कभी अल्लाह के बारे में जो है कह रहे हैं कि कोई उनके मीडियटर्स है कोई अल्लाह के बारे में यह कह रहा है कि उसका कोई जो है औलिया अल्लाह है कोई अल्लाह के बारे में यह कह रहा है कि वो तो गफुर्रहीम गुनाह करते जाओ कोई यह कह रहा है अपनी मर्जी से जो दिल में आया जैसे जो है कह रही बगैर के बग़ैर इल्म के बातें करना और बहसें करना और बहस एक बात याद रखिए तकबर की निशानी है कि आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ राइट एंड सामने वाले को गिराना है जिसके दिल में ईमान होता है वो बहस या तकबर नहीं करता है तो जो भी बात करना है अल्लाह के बारे में क़ुरान की रोशनी में करना है क़ुरान के ज़रिए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है सानिया मोड़ने वाला है अपने पहलू को यहाँ पे पहलू अपना मोड़ने वाला यानी मुंह मोड़ना मुहावरतन आया है इसके मायने हक से मुड़ना तकबर करना या फिर तकबुर की वजह से हक से मुड़ना इसके मायने जो आते है आते हैं इसमें जो पहलू अपना मोड़ना है ली उदिल्ला ताकि भटका दे के रास्ते से यानी यहाँ पे खुद भी अल्लाह के रास्ते से रुकता है और फिर क्या करता है लोगों को भी करता है लहू फिर दुनिया खज़ियन इसके लिए दुनिया में रसवाई है वन उसदी और हम चखाएँगे इसको यौमयामतीमत गयामत के दिन अजाबल हरीक जलने का बात कर रहे है। को ताला में अगर जलाते हैं तो वो उसके अपने अमाल की वजह से होता है वह अन और बेश्लामिन नहीं है जुलम करने वाला लिल अबीद। बंदों के लिए यानी यहाँ पर अल्लाह तला जो डिजर्व नहीं करते थे उनके ऊपर जो है जुल्म करके उनको जहन्नुम की आग में नहीं जलाएगा लेकिन इंसान ने अपने आप के जो आमाल भेजे हैं उसकी वजह से इंसान जहन्नुम में जलेगा वामसी और लोगों में से कोई मैं या अबूदुल्ला जो इबादत करते हैं अल्लाह की आला हर किनारे पर ये किनारे पर इबादत करना कैसा है जैसे हम पहले एक आयत लिए थे उदुकलूकमी काफा ये इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे किनारे पर रहना यानी अच्छा दिखा अमल कर लिए अच्छा नहीं दिखा अमल नहीं किया फ़ायदा है अपने आप को मुसलमान कहलवा लिए फायदा नहीं है फिर जो है अपनी मनमानी काम कर लिए तो फिर ये क्या है आ, किनारे पर जो है खड़े रहना है तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि और लोगों में से कोई जो इबादत करता है अल्लाह ताला की किनारे पर पर इन हो, खैर फिर अगर पहुँचे इसको कोई भला ही इतना अन्ना मतमिन हो जाता है भी इस पर व इन असाबत हो और अगर पहुँचे इसको फितन तू कोई आजमाइशन जब कोई तकलीफ़ या मुसीबत आ जाती इन है इनबा पलट जाता है अलावज ही ही अपने चेहरे पर खीरत दुनिया नुक़सान उठाया दुनिया का वल आखिर और आख़रत का जालिकाल ख़ुसवा नमुबी ये है वो जो दरअसल खसारा है खुला या सरी यानी ऐसे लोग जो दीन को ईमान को दुनिया से जोड़ते हैं और किनारे पर होते पूरे इंटर नहीं होते फ़ायदा है तो दीन अच्छा है फ़ायदा नहीं है नुकसान है तो दीन को ब्लेम करते हैं दुनिया के फ़ायदे के लिए दीन को हासिल करते हैं दुनिया का कोई फायदा नहीं होता है तो दीन से भाग जाते हैं देखिए दीन और दुनिया वॉट इज दीन दीन इज लिविंग दुनिया अकॉर्डिंग टू द दाम ऑफ अल्लाह सुबहाना ताला आप देखिए अफसोस अफसोस हम जो है ना बाद इबादतें भी फायदे के लिए करते हैं लोग नमाज छोड़ देते हैं क्या फ़ायदा है नमाज़ पढ़ के अरे नमाज़ हम कोई दुनिया हासिल करने के लिए दुआएं कबूल होने के लिए फ़ायदे के लिए नहीं अल्लाह की रज़ामंदी के लिए पढ़ते हैं कुरान कुरान को वजीफ़ों के लिए कभी ये अचीव कर लूँ कभी वो हासिल कर लूँ उसके लिए पढ़ते हैं इबादत हम दुनियाई फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं अल्लाह की रज़ामंदी के लिए करते हैं अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल लेना चाहिए तकलीफ में भी शुक्र खुशहाली में भी शुक्र दुनिया के फायदों से अल्लाह की इबादत दुनिया के फायदों के लिए दीन नो चाहे दुनिया में खुशहाली हो या तकलीफ हो अल्लाह ताला से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए अल्लाह ताला की हमेशा इबादत करना चाहिए अल्लाह ताला का हमेशा इबादत गुजार बंदा होना चाहिए अल्लाह ताला हमें insan... इन बंदों में शामिल कर ले जो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले हों हर हाल में अल्लाह के सामने झुकने वाले हों हर हाल में अल्लाह की रज़ामंदी के लिए काम करने वाले हों या हर अमल करने वाले आमीन